तो जब भी मेडिकल साइंस में प्रवेश रखा है, निमोनिक्स याद रखने हैं। निमोनिक्स रट्टा क्रैमिंग लगाने की कला है। अगर निमोनिक्स एक सॉन्ग की तरह आपने चीज़ याद रखनी है, जैसे कि हमारे टीचर हमें बताते थे कि शशि लता टींडे पकार, टींडे तेरे कच्चे हन। तो शशि से स्काईफाइड, लता से लुनेट, टींडे से ट्रेपीजियम, टींडे पका पिसी फॉर्म, टींडे तेरे कच्चे हन। तो TTCH, तो तरन तारन टू चंडीगढ़ भी हो सकता है इससे। तो ट्राइक्विटरल ट्रेपीजॉइम, ट्राइक्विटरल ट्रेपीजॉइड, तो कच्चे हन, कैपिटेट, हेमेट। तो इस तरह ही याद हो जाता था। तो इस तरह डाइयूरेटिक्स जो हैं, उसका पोटाशियम के साथ क्या लिंक है? तो डाइयूरेटिक्स जो हैं वो लोअर करते हैं, मगर कुछ फूड्स हैं जो पोटाशियम को बढ़ाते हैं। उनको याद कैसे रखा जाए? एक सॉन्ग याद रखना है, आई नो द बनाना स्पिन पॉट सॉन्ग, आई नो द बनाना स्पिन पॉट सॉन्ग। एनक्लेक्स के कैंडिडेट नर्सिंग एंट्रेंस के याद रखें, गवर्नमेंट की क्रैक करना चाहते हैं। आई आई का मतलब इंक्रीज, नो तो KNOW, तो के मतलब इंक्रीज पोटाशियम, के का मतलब पोटाशियम सिंबल है केमिकल। दा बनाना, तब बनाना ये बनाना पोटाशियम को बढ़ाता है। स्पिन का मतलब स्पिनेक, पालक। पोट का मतलब पोटैटो, आलू। और सॉन्ग का मतलब, एस का मतलब साल्ट सब्सिट्यूट्स, ओ का मतलब ऑरेंज सिट्रस, एन का मतलब नट्स, और जी का मतलब ग्रेप फ्रूट सिट्रस। दीज फूड्स दैट विल इंक्रीज पोटाशियम सिंस डाइजरेटिक कैन लोअर इट। तो ये याद रखना है कौन कौन से इन एनक्लेक्स में, गवर्नमेंट के नर्सिंग एंट्रेंस में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप क्रैक कर सको। निमोनिक्स याद रखनी है दोस्तों, तो फिर ये सॉन्ग याद रखिए, आई नो द बनाना स्पिन पॉट सॉन्ग, आई नो द बनाना स्पिन पॉट सॉन्ग। आई का मतलब इंक्रीज, नो का मतलब पोटाशियम, के पहला लफज है, द बनाना तो बनानास बनाते हैं, बढ़ाता है, और स्पिन का मतलब स्पिनेक, पॉट का मतलब पोटैटोज, एस का मतलब सॉन्ग साल्ट सब्सिट्यूट, ओ का मतलब ऑरेंज सिट्रस, एन का मतलब नट्स, जी का मतलब ग्रेप फ्रूट सिट्रस। तो दोस्तों, एनक्लेक्स की कोचिंग लेनी हो, या गवर्नमेंट के एंट्रेंस जो नर्सिंग के होते हैं, एम्स के हों, किसी भी जगह के PGI के हों, आपने व्हाट्सएप करना है 9872468540। और दूसरी बात याद रखनी है, वेबसाइट देखिए www.paramedicalindia.com। धन्यवाद। तो दोस्तों, तुहानू पोटाशियम फूड्स दे बारे दसिया। दोस्तों, आपको पोटाशियम फूड्स के बारे में निमोनिक्स के जरिए बताया। अब देखिए, पोटाशियम स्पेरिंग डाइयूरेटिक पढ़ते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाइयूरेटिक, लूप एक्टिंग डाइयूरेटिक्स, पोटाशियम स्पेरिंग डाइयूरेटिक्स एंड थायाजाइड डाइयूरेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट पोटाशियम स्पेरिंग डाइयूरेटिक्स। तो पोटाशियम स्पेरिंग, व्हाट डज इट मीन्स बाय पोटाशियम स्पेरिंग? पोटाशियम स्पेरिंग डाइयूरेटिक आर डाइयूरेटिक ड्रग्स दैट डू नॉट प्रमोट द सीक्रीशन ऑफ पोटाशियम इनटू यूरिन। पोटाशियम सीक्रीट होता है यूरिन में। दे आर यूज्ड एज एडजंक्टिव थेरेपी टुगेदर विद अदर ड्रग्स इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, एंड तो मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो पोटाशियम स्पेरिंग डाइयूरेटिक आर वन टाइप ऑफ डाइयूरेटिक, दे आर वीक डाइयूरेटिक, यूजली प्रिस्क्राइब्ड इन कम्बिनेशन विद अदर डाइयूरेटिक्स। ये दूसरों से मिल के बनाए जाते हैं, मगर क्वेश्चन बहुत आता है, दूसरे डाइजरेटिक के साथ लगाए जाते हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लूड, ये यूज किए जाते हैं फ्लूड पास फ्रॉम बॉडी इन यूरिन, ताकि पेशाब में ज़्यादा मात्र फ्लूड जाए, वाइल आल्सो प्रिवेंटिंग टू मच पोटाशियम बींग लॉस्ट विद इट। और कोशिश करते हैं कि पोटाशियम पेशाब के साथ ना जाए ज़्यादा। और एग्जाम्पल क्या है? अमीलोराइड, एपीलेरी नॉन स्पाइरोनोलेक्टोन एंड ट्राइएमट्रिन, ये इसकी एग्जाम्पल। पोटाशियम स्पेरिंग डाइजूरेटिक्स आर मेडिसन दैट इंक्रीज डाइजूरेसिस विदाउट लॉस ऑफ पोटाशियम, वो पोटाशियम लॉस नहीं करने देंगे। दे आर जनरली वीक डाइजूरेटिक एंड वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है
आप जो ऊपर वाला बोमैन कैप्सूल है वो वहाँ क्या हो रहा है, जो लूप ऑफ हैनल है वहाँ क्या हो रहा है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी तो आप लेक्चर समझ नहीं सकते। सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनी एज एंटागोनिस्ट एट एल्डोस्टीरोन रिसेप्टर। आप जब तक वो नहीं पढ़ते आपको ये समझ नहीं आएगा इसका मैकेनिज्म एक्शन, पोटाशियम स्पेयरिंग डाइयूरेटिक का, तभी पता लगेगा। केयर गिवर है नैनी के बच्चे, उनको क्वेश्चन पूछा जाता है जो एल्डर केयर के लिए जाते हैं, वाटर पिल्स क्या है। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की वाटर पिल्स क्या चीज है। वाटर पिल्स लाइक हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड फ्लूसेमाइड यूज फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड एडीमा कैन कॉज डिहाइड्रेशन एंड कैन लीड टू स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। तो वाटर पिल्स बोलते हैं इनको। नेचुरली पेशेंट को, एल्डर केयर्स को जब कोई मेडिसिन दिए जाती है तो नैनी को, केयर गिवर को, उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। स्पेयरिंग डायूरेटिक के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? टू लिटल पोटाशियम इन ब्लड, टू मच पोटाशियम इन ब्लड। नेचुरली ब्लड में बढ़ेगा, यूरिन में कम होगा, लो सोडियम लेवल, हेडेक होगा, डिजीनेस, थ्रस्ट, इंक्रीज ब्लड शुगर और मसल क्रैम्प्स आएंगे। अब पूछा जाता है इज हाइड्रोक्लोरोथायजाइड इज ए पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक? यस, इट रिड्यूसेस सोडियम एंड वाटर इन द बॉडी बट ऑल्सो प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ पोटाशियम। फॉर दिस रीजन ट्राईएमिट्रिन इज कॉल्ड पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। बाय कंबाइनिंग हाइड्रोक्लोरोथायजाइड विद ट्राईएमिट्रिन सोडियम एंड वाटर आर इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विदाउट द लॉस ऑफ पोटाशियम। ये याद रखना है आपने। फिर पूछा जाता है इज लासिक्स पोटाशियम वेस्टिंग? एज विद मैनी डायूरेटिक इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इंक्लूडिंग लॉस ऑफ पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नेशियम। एक्सेसिव यूज ऑफ फ्रूसेमाइड या लासिक्स विल मोस्ट लाइकली लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू हाइपोकॉलरीमिया एंड हाइपोकैलीमिया। हाइपोकॉलरीमिया मीन्स क्लोरीन, क्लोराइड आइंस नीचे चले जाएंगे ब्लड में और पोटाशियम भी ब्लड में कम हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वाटर पिल्स की, ये नैनी के लिए थी, और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है निमोनिक्स वगैरह और पोटाशियम स्पेयरिंग, ये एनक्लेक्स कैंडिडेट्स के लिए और जो नर्सिंग एंट्रेंस के लिए बहुत ही उम्दा है। इसको याद रखिए। अगर आपने एनक्लेक्स की कोचिंग लेनी है तो कॉन्टैक्ट कीजिए 9872468540 पे व्हाट्सएप के थ्रू। फ़ोन नहीं करना। आप कौन सी कंट्री में हो, इंडिया में हो, साइप्रस में हो, कनाडा में हो, यूएसए में हो, कौन सा स्लॉट चाहिए ये आपने बताना है। वेबसाइट देखिए www.paramedicalindia.com और हमारा नंबर है 9872468540 व्हाट्सएप। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।